दोबारा वजाहत करना चाहता हूं, जो नेटवर्क के ऊपर लोग कनेक्टेड हैं उसमें जो छोटे सारिफीन है उसका 10% हुआ है, लेकिन गरीब तरीन शख्स के घर पे बिजली की मीटर नहीं लगा हुआ, वो जाके एलपीजी की बोतल खरीदता है, उसकी बोतल की कीमत जो आ रही थी गैस की, एलपीजी की जो गैस की वो कंटेनर खरीदता है, बोतल खरीदता है, उसके ऊपर सिलेंडर खरीदता है, उस सिलेंडर के ऊपर 30% टैक्स लगा हुआ था। ये हमने नहीं लगाया था, ये जो पिछली हुकूमत थी वो लगा के गई हुई थी 30% टैक्स। हमने पहली सीसीआई की मीटिंग के अंदर उसको 30% को कम करके 10% कर दिया। हमने गरीब तरीन के ऊपर बोझ कम किया है। फर्टिलाइजर प्राइसेस की बात की गई, फर्टिलाइजर प्राइसेस की सीसीआई का फैसला देख लें, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो गैस की प्राइस बढ़ाई जाएगी उसका असर हमने किसान के ऊपर नहीं आने देना। ये डॉक्यूमेंटेड मिनट है, चाहे उसके अंदर हमें सब्सिडी देनी पड़े। 6 से 7 अरब रुपए की सब्सिडी की मंजूरी हम ऑलरेडी दे चुके हैं यूरिया के ऊपर। जो पाकिस्तान में जो खाद की कंपनियां बंद पड़ी थी, जिनको गैस नहीं मिल रही थी, उनको गैस तो दी गई है, और जो 1 लाख टन वहां से इंपोर्ट की जाएगी उसके ऊपर 6 से 7 अरब रुपए की सब्सिडी बनेगी जो वफाकी हुकूमत देगी। ये पहले फैसला हो चुका है, लेकिन किसान के साथ इस खरीफ में हुआ क्या, जरा उसका भी तो जिक्र कर लें कि वो यूरिया जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी और 6,35,000 टन यूरिया एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी गई, और जिस वक्त खरीफ आया तो मुल्क के अंदर यूरिया की कमी हुई भी थी, और जो बोरी खाद की 1250 रुपए की मिल रही थी वो 1750 रुपए पे पहुंच गई, उसका जिम्मेदार कौन है? फिर जनाब बात की गई कि बिजली और गैस की कीमत बढ़ जाएगी तो एक्सपोर्टर मुकाबला कैसे करेगा, उसकी एक्सपोर्टर की मुकाबला करने की जो के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। और मुझे बहुत खुशी हुई कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने ये नुक्ता उठाया, क्योंकि ये एक बहुत बुनियादी सवाल है जो हम 3 से 4 साल करते रहे कि ये जो कशकोल हम तोड़ना चाहते हैं, ये जो हम बैनुल अक्वामी मुल्कों के सामने जाके पैसा मांगते हैं, सारी हुकूमतें मांगती नहीं हैं, पिछले 5 साल में जितना पैसा लिया गया, गैर मुल्की कर्जा लिया गया, वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, लेकिन मांगते तो सब रहे हैं, ये खत्म कैसे होगा? ये खत्म उस वक्त होगा जिस वक्त आपका एक्सपोर्टर अपने पैरों पे खड़ा होगा। हम 4 साल तक ये मुतालबे करते रहे लेकिन नहीं माना गया। मुझे लगता है ये बाई दी सिर्फ ये एक पॉइंट नहीं है, मुझे और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे। मैं आखिर में फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी जो जिक्र किया गया